Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Fine? Tired? No? You listening to me? Yes. Everyone? Yes. आज के लेक्चर से ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट कोई आपके लिए भी है? No? I need your 30 to 45 minutes only, inshallah. और इसी में आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा. स्टार्ट करने से पहले आप में से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा. हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट एंड नाउ दे आर कोऑर्डिनेटर्स? कोई आप में से ऐसे टीचर बैठे हैं जिन्होंने असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन किया और अपने आप को इम्प्रूव करके किसी जगह पे हैं आज आप? जी बताइएगा, माइक में बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई एम ग्रेस सईद अहमद फ्रॉम ब्लैक कासल. और मैंने जो है वो एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था. मुझे स्टार्टिंग में जो है वो सिर्फ दो क्लासेस दी गई थी और उसके बाद मैम शुमायल ने, मैम किरण ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने वो सीखा. उसके बाद फिर मुझे मैम शुमायल ने कहा कि अब आप जो है वो ग्रेड वन की, ग्रेड टू की टीचर हैं और आप उनकी इंचार्ज हैं. और तब से मैं. वेरी वेल डन, आई अप्रिशिएट इट. एनीबडी एल्स? सर मैं यहाँ पे आज से 4 to 5 years पहले आई थी. तब एज अ साइंस टीचर आई थी और नाउ आई एम अ सुपरवाइजर ऑफ ग्रेड 6 and 7. अस्सलाम वालेकुम सर. 3 years हो गया मुझे ब्लैक कासल में. आई एम किंजा फ्रॉम ब्लैक कासल. तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो एज असिस्टेंट ही आई थी विदाउट एनी एक्सपीरियंस. मतलब किसी स्कूल में मैंने पहले कभी जॉब नहीं थी की. और सिर्फ 2 months जब थी मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी मैम शुमायल से. और उसके बाद क्लास इंचार्ज, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्ट मैनेजमेंट डिसिप्लिन इंचार्ज. एक क्वेश्चन आप तीनों से कि आपको जो क्लासेस मिली हैं आप वो किसी सिफारिश से मिली हैं? नो सर. किसी ने सिफारिश की कि नहीं इनको, आपको अपनी स्ट्रगल का इनाम मिला? यस. अब आप बताइए आप में से कितने लोग स्ट्रगल करते हैं, कितने लोग अपने ऊपर काम करते हैं? माशाल्लाह एवरीबॉडी आप नहीं करते हैं. हमारे यहाँ पे क्या होता है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव टॉट फॉर अबाउट 17 years. Started teaching in 2003 or 2004. First I learned from my elder brother. Still whenever I see him I learn a lot. Usme maine kya observe kiya ki hum jab graduation complete kar lete hain, masters complete kar lete hain to padhna chhod dete hain. Aisa hai? Ab aap mujhse questions bhi kar sakte hain. Mere mutabik jo banda masters kar leta hai उसकी एजुकेशन ही तब शुरू होती है मेरे ख्याल से. क्या कहते हैं आप? अब आप मुझे बताइए ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद आप सोसाइटी में क्या डिफरेंस लेके आ रहे हैं, अपने टीचर, अपने स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस लेके आ रहे हैं? क्या आप वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या कुछ नई डेवलपमेंट्स, कोई नई इन्वेंशंस लेके आ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स में? हमारे KCGS का एक जो मोटो है वो आपको पता है क्या? वी डोंट टीच वी एजुकेट. इसका मतलब क्या है? आप में से समझाइए कोई मुझे. आप सब जो लोग KCGS की डिफरेंट ब्रांचेस से हैं आपको पता होना चाहिए. जी बेसिकली हम उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं ना. कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. मेरा क्वेश्चन आपके साथ एक और है. देखिए आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेते होंगे, है ऐसा? पोजीशंस में आते होंगे? यस सर. उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते होंगे? यस सर. आपको आके अप्रिशिएट करते होंगे? मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशंस आएंगी, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, लेकिन हम खड़े कहाँ पे हैं? सियालकोट की बात कर लें, सियालकोट में कौन सी चीज नई आप लेके आ रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर. जी आई एम अ मैथ्स टीचर
और लास्ट पीटीएम में जो है वो कुछ पेरेंट्स मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्पेशली आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे बच्चे को वो कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि वो अब नहीं भूलता लेस देन और ग्रेटर देन वाला. तो हम जो है वो अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट. राइट, आई एम कमिंग टू यू, वेरी आई अप्रिशिएट यू. मेरा पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा. कितनी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में ऐसी हैं जो इम्पोर्टेड हैं, बताइए. 80% 80% इम्पोर्टेड हैं, 20%. अब जो 20% पाकिस्तानी हैं उसमें कितनी चीज़ें रिलायबल हैं? 5% जी, 1%. उसकी वजह क्या है? क्या आप अपने स्टूडेंट्स को ईमानदारी नहीं सिखा रहे हैं? बताइए. कुछ दिन पहले एक साहब यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने कौन सी एजुकेशन सिस्टम की बात की, कौन सी कंट्री की, वहाँ पे क्या था कि जब किसी कोई चोर चोरी करता है तो क्या होता है? तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, उसने ग्रेड्स तो ले लिए लेकिन ईमानदारी उसमें नहीं आई, या वो कोई नई इन्वेंशंस नहीं. ये चीज़ मैं कहता हूँ, ये चीज़ हम पाकिस्तान से नहीं ले सकते हैं. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड. वी डोंट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, वी डोंट लाइक देयर कल्चर. जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत से लोग हमें अच्छा नहीं समझते हैं. आप क्या फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आप क्या गोरे बना रहे हैं, आप उनकी लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हैं? हम उनकी लैंग्वेज इसलिए पढ़ाते हैं कि आप उनकी बुक्स को समझ सको. हम उनकी लैंग्वेज इसलिए पढ़ाते हैं कि आप एजुकेशन को समझ सको. उनकी लैंग्वेज इसलिए पढ़ाते हैं कि आपके लिए एजुकेशन आसान हो जाए और एजुकेशन आसान हो के आप अपनी कंट्री, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सको. लेकिन मेहनत हमने नहीं करनी है. इंग्लिश लैंग्वेज मुझे नहीं सीखनी है बिकॉज दिस इज नॉट माई लैंग्वेज. आई शुड प्रमोट पंजाबी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज. लेकिन ELC में उर्दू लैंग्वेज से नफरत करना नहीं सिखाई जाती है. ELC में पंजाबी भी बोली जाती है. इंग्लिश लैंग्वेज क्यों? क्योंकि आपको जो लैंग्वेज है, आप मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश सीख के वो आसान नहीं हो जाएगा आपके लिए? तो जब आसान होगा तो एजुकेशन आसान नहीं हो जाएगी आपके लिए? जब एजुकेशन आसान हो जाएगी तो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे हमारी सोसाइटी में. जब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हम अपनी कंट्री में बनाएंगे? अभी जिस पोजीशन में जहाँ पे अब हम हैं, क्या हम दूसरी कंट्रीज़ को फोर्स कर सकते हैं दैट दे शुड लर्न उर्दू लैंग्वेज? आप बताइए उनको उर्दू लैंग्वेज में फोर्स करने के, मैं कहता हूँ उर्दू सीखो फिर मेरे साथ बिजनेस करना, कह सकते हैं? कब कह सकते हैं हम उनको? जब हमारे पास कुछ होगा. हमारे पास कैसे कुछ होगा? रेस्ट कर करके, म्यूजिक सुन सुन के, इंडियन मूवीज देख देख के. बारिश है तो आज मैंने बाहर नहीं जाना, धूप है तो मैंने आज बाहर नहीं जाना, थोड़ी सी सर दर्द है तो रात को मैसेज कर देना कि मैंने सुबह स्कूल नहीं आना. देखिए एग्जांपल्स तो हम दूसरी कंट्रीज़ की देते हैं, लेकिन आप टीचर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? आपके पास, सर काशिफ ने बताया 25-20 स्टूडेंट्स जब आपके सामने आते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं उनके पास नया? देखिए मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने BEd MEd नहीं किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MEd को ट्रेनिंग्स दी हैं, BEd को ट्रेनिंग्स दी हैं और अपने एक्सपीरियंस से दी हैं. जब पहले दिन पढ़ाना शुरू किया तो सिर्फ एक बच्चा था और उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था. चैलेंज समझ के पढ़ाया कि मैंने इसको लिखना पढ़ना सिखाना है. टीचर्स, सर अब्दुल वहाब टीचर्स क्या होते हैं कि देखते हैं कि शाइनिंग स्टूडेंट्स कौन से हैं, उनको आगे बुला के उन पे ही मेहनत की जाती है. मेरी स्पेशलिटी क्या है कि मैं जो बच्चा नहीं बोल पाता मेरे लिए वो टारगेट होता है. अब आप बताइए कि जैसे सर यासिर बता रहे थे ड्रॉप आउट्स की रीजंस क्या हैं, तो आप नालायक बच्चों को पीछे और उनको सजा देते हैं, मैं उनको इनकरेज करता हूँ.
हर एक में एक छुपा एक हर एक में एक पर्सनैलिटी है, आप में पर्सनैलिटी है, आप में पर्सनैलिटी है, आप में पर्सनैलिटी है. वो पर्सनैलिटी कैसे सामने आएगी? आपके सामने 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनकी पर्सनैलिटी आपने कैसे सामने लेके आनी है? उन्हें मौका देख के या उन्हें डिस्करेज करके? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है. अब आप बताइए, आप में से इनकरेजिंग पर्सनैलिटी किस चीज़ कौन कौन है? अब मेरे साथ वादा कीजिए कि मैं उन 20-25 स्टूडेंट्स में डिफरेंस लेके आऊँगा इंशाल्लाह. डिफरेंस कैसा लेके आऊँगा? बेशक मैं कहता हूँ कि यार नंबर्स उसके ठीक आए हैं कि नहीं. मेरे पास जो बच्चा दो माह के लिए, आप अग्री करते हैं, टीचिंग एक प्रेजेंटेशन है. जब आप क्लास में जाते हैं तो वो एक किस्म की प्रेजेंटेशन देते हैं. आप आंसर नहीं मिल रहा. वेल आई लाइक टू वेलकम सखा शफिया. आई वॉन्ट यू टू क्लैप फॉर हिम. Back. Teaching is like presentation. अब वो presentation आपकी teaching में क्या है देखिएगा. Rules क्या हैं उसके? Have you ever seen Sakashif teaching somewhere? His presentations on television? आपने एक चीज देखी होगी उनमें कि वो साथ साथ बच्चों को entertain भी करते हैं. क्यों? क्या आप में वो quality है? अब देखिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन में क्या होगा देखिएगा. सी दिस इज द आउटलाइन वी लर्न टुडे, वी विल स्टडी टुडे. ऑब्जेक्टिव, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तीन चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव में होंगी. नोट कर लीजिए, समझ लीजिए. ऑल प्रेजेंटेशन हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. पीपल गिव प्रेजेंटेशन बिकॉज दे वॉन्ट टू communicate in order to inform, convince, and to entertain. Ab aap mujhe bataiye, when you start teaching, do you inform your students? Do you convince them? What I have observed, people, teachers only inform their students, that's it. They make them cram. टीचर्स क्या करते हैं? इन्फॉर्म करके दूसरी चीज क्या करते हैं? याद करवाते हैं. कन्विंस नहीं करते हैं. कन्विंस करें तो उनमें कोई डिफरेंस आए. कन्विंस कैसे करना है आपने? यू नीड टाइम फॉर दैट. हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है. देखिए मेरी क्लास जो होती है वो 2 आवर्स अ डे होती है. मेरे पास लेवल 1 में, लेवल 2 में कुछ आउटलाइंस होती हैं कि मुझे ये चीज़ें लेवल 1 में क्लियर करनी है, ये चीज़ें लेवल 2 में क्लियर करनी है. आपके पास भी इसी तरह से होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ये चीज़ होगी. कोऑर्डिनेटर से मेरी रिक्वेस्ट है, कोऑर्डिनेटर सुन लीजिए, टीचर्स को थोड़ा सा फ्री हैंड दीजिए. आप उन्हें 2 वीक्स की प्लानिंग दीजिए, 2 वीक्स की. ये 2 वीक्स में ये कम्प्लीट करना है. ये नहीं कि आज ये कम्प्लीट करना है. मैंने टीचिंग में क्या ऑब्जर्व किया कि मैंने बहुत से नोट्स में क्लास में लेके गया और सारे नोट्स वापस ले आया. वापिस क्यों ले आया? क्योंकि मुझे सबसे पहले स्टूडेंट्स को देखना है कि क्या वो आज उस मूड में है कि नहीं. पढ़ाने कुछ जाता हूं, बातें करते करते कुछ नया टॉपिक शुरू हो जाता है, वो भी उनके लिए जरूरी होता है. फिर जो चीजें होती हैं वो मैं कहता हूं कि ये चीज मैं बाद में कर लूंगा, आज वाली चीज इंपॉर्टेंट है. कन्विंस. मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है. टीचर्स ने कहा कि ये 4 असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करवानी है. मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा के मैं वापस जाके, यस आई हैव डन इट. समझ आई है? आई डोंट नो दैट. उनको समझ आई है कि नहीं? कोई बात नहीं, ट्यूशन्स तो हैं ना, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है. मैं कहता हूँ जब आप 30-40-50 मिनट्स पढ़ाते हैं तो ट्यूशन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप में इतनी पावर क्यों नहीं है कि वो समझ के घर जाएं? छोटी क्लासेस ठीक है, मेच्योर क्लासेस को ट्यूशन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आंसर दीजिए. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. और कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है? कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से होता है कि जल्दी से ये कंप्लीट करवाओ, जल्दी से ये कंप्लीट करवाओ. वो जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती है. सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, बच्चों ने याद कर लिया, बच्चों ने याद करके नंबर्स, ग्रेड्स ले लिए, कप्स ले लिए, पोजीशंस ले ली. डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा? तो क्यों ना कुछ शुरू में उनको उस तरफ लेके आया जाए. हमने अपने बच्चों को नंबर्स, ग्रेड्स के लिए भी रेडी करना है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी रेडी करना है.
टारगेट होना चाहिए ना कि मैंने मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है, अच्छे नंबर आना या बच्चों में डिफरेंस लेके आना। अब आप में से कौन कौन से सब्जेक्ट टीचर्स हैं, सब्जेक्ट मेंशन कीजिए। योर सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, इस्लामियात, साइंस, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, अरबिक। एक मूवी सर काशिफ ने प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाई थी, टीवी पे भी आपने देखी होगी। टीचर को बताया गया डू नॉट टीच सब्जेक्ट्स, टीच स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताइए कि आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर डिफरेंस आएगा। मैथ्स टीचर कहता है मैं अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ क्लास में क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही मैथ्स है। उर्दू हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हुए उनकी इतनी ट्रेनिंग कर लेते हैं कि वो एक इंसान बन के दो माह में चार माह पे बाहर निकलते हैं। अच्छी बातें करना सिर्फ इस्लामिया टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? मॉरल वैल्यूज सिखाना, क्या मैथ्स टीचर मॉरल वैल्यूज नहीं सिखा सकता है? साइंस टीचर नहीं सिखा सकता है? आप कहते हो मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है ये। जी प्लीज। सर मैं यही कहना चाहती थी, साइंस में तो हम लोग अगर कोई कॉन्सेप्ट देते हैं ना तो उसको अल्लाह ताला के साथ, मतलब कि अल्लाह ताला की क्रिएशंस के साथ, उसके साथ रिलेट करते हैं कि देखें अल्लाह ताला ने कैसे कैसे बनाया हुआ। जैसे अगर हम लोगों ने ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को पढ़ाना है तो हम बताते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से एक एक चीज़ को बनाया हुआ है, तो हम तो रिलेट करते हैं मतलब अल्लाह ताला से भी और बाकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी, मॉरल वैल्यू से भी। आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन सब क्यों नहीं? अगर सब करते हैं तो सोसाइटी में डिफरेंस क्यों नहीं? डीएसपी साहब दो दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे, वन व्हीलिंग के मुतालिक बता रहे थे, काइट फ्लाइंग के मुतालिक बता रहे थे। क्या हम उनको ट्रेन नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ गलत है? क्या सारा कुछ पढ़ाने के बावजूद हमें स्टिक्स की ज़रूरत है? रोड्स के ऊपर स्टिक्स हमें पढ़नी चाहिए? हमारे ईएलसी में जो बच्चे आते हैं मैट्रिक के बाद, एफए के बाद आते हैं, ऑनेस्टली टीचर से बात करने की तमीज़ नहीं होती है उन्हें, या सिर्फ टीचर्स की बात सुनते हैं, किसी और की बात सुनते ही नहीं है वो। क्या हमने बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाई अपने स्टूडेंट्स को? अगर सिखाई तो वो गेटकीपर की इज्जत क्यों नहीं करते हैं? कहाँ पे कमी रह जाती है हमारी टीचिंग्स में, ट्रेनिंग्स में? सोचिएगा कि मैं स्टूडेंट्स, मेरे पास जो 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास के बाद मैम जब क्लास ओवर होती है तो वो ब्रेक टाइम में कैसा ग्राउंड में रहते हैं, छुट्टी के टाइम वो कैसा रहते हैं? यही तो आपकी एजुकेशन है, जब वो बाहर जाएं तो पता चले क्या चीज़ पढ़ के आए। सर मेरे ख्याल में से घर का इन्वायरमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा करता है। ट्रू ट्रू, घर का इन्वायरमेंट है, लेकिन टीचर्स हम क्या करते हैं? फिर मैं सकाशिफ की एग्जाम्पल दूंगा, बिकॉज मैंने जो भी सीखा मैंने उनसे ही सीखा है। आप अपने आप को डॉक्टर समझिए और आप जो है वो पेरेंट्स के मुताबिक मेडिसिन ना दीजिए उनको, ठीक है? डॉक्टर्स, मैं कहता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आएगा तो मैं कहूँगा सबसे पहले मुझ पर रिलाय करो। पेरेंट्स आपके पास आते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो आप पेरेंट्स को बताइए कि आप हम पे रिलाय करें, आपको अच्छा बच्चा चाहिए वो हम आपको देंगे, नंबर्स भी, लेकिन उसके साथ साथ ये आपकी इज्जत भी करने वाला हो, ये नेबर्स के साथ भी इसका बर्ताव अच्छा हो, ये मार्केट में उठे बैठे ठीक तरह से, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मीटिंग तो करें पेरेंट्स के साथ, लेकिन हम पेरेंट्स के साथ मीटिंग नहीं करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चे के नंबर्स अच्छे नहीं आए, मेरे बच्चे की पोजीशंस नहीं आए। हाँ आएंगी, आप उन्हें गैसेस दे देते हैं, आप उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देते हैं, वो याद करके आ जाते हैं। मेरे ख्याल में से आजकल पेरेंट्स ही टीचर्स पे इतना रिलाय नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? पेरेंट्स को भी कन्विंस करने की ज़रूरत है। बहुत सी पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स हो चुकी हैं, सकाशिफ बहुत से टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं, बता चुके हैं कि हमारा मकसद क्या है। आप भी अपना मकसद बताइए पेरेंट्स को। ये मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी मेडिसिन खुद सजेस्ट ना कीजिए, आपको सजेस्ट करने दीजिए। आप मेरे पास आ रहे हैं, आप कहते हो सर मुझे इससे आराम आएगा, तो मैं कहूँगा आप अपना इलाज खुद कर लीजिए। पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे को ये करवाइए, तो पेरेंट्स को बोलिए आप अपना इस बच्चे का इलाज घर में कर लीजिए, अदरवाइज मुझ पर छोड़ दीजिए।
अदरवाइज मुझ पे छोड़ दीजिए, तो आपको अच्छा डॉक्टर बनना है जो कि उसमें चेंज लेके आ सके। सर पेरेंट्स जो है वो डिमांड करते हैं मार्क्स की, मतलब उनको होता है वो कंपैरिजन करते हैं। मैंने आपको बताया कि बच्चे को मार्क्स के पीछे, बच्चे को मार्क्स के लिए भी रेडी कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी रेडी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चा फेल हो जाए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बताइए कि हम इनको मार्क्स के लिए भी रेडी करेंगे, लेकिन जब हम इनको सच बोलना सिखाएंगे तो आप हमारे साथ तआवुन कीजिए, हम इनको बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे तो आप हमारे साथ तआवुन कीजिए। क्लास में आप जो है वो मार्क्स के लिए रेडी करेंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी चीज़ों के लिए भी रेडी करेंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सिर्फ बच्चों को, बच्चों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन ना दीजिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताइए। पेरेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन रेडी कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए और कन्विंस कीजिए। एक्सक्यूज़ मी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि बच्चे जो हैं वो इज़्ज़त क्यों नहीं कर पाते, इवन के वो 10th 9th के स्टूडेंट भी बन जाएं, इससे आगे भी चले जाएं तो इज़्ज़त क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले मैंने 14-15 सालों में जो टीचिंग लाइन में मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि जब तक आप बच्चों से इज़्ज़त से बात नहीं करेंगे वो कभी भी किसी से इज़्ज़त से बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप उनको अच्छे वर्ड्स से बुलाएंगे, डियर स्टूडेंट्स, हेलो, अटेंटिव प्लीज़, कितने प्यारे लग रहे हैं आप, तब तक वो बच्चे आपसे कभी भी नहीं सीख पाएंगे और आगे भी वो यही करेंगे जो आप उनको, उनके साथ क्लास में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए एक मैं प्रोवर्ब कोट करूँगा, एक फेमस सेइंग जो मैं अक्सर अपनी क्लास में बोलता रहता हूँ, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। Treat others as you would like to be treated. बच्चों को जो जब बात करता हूँ तो मेरे साथ जितने भी हैं कोलीग्स मेरे, देख लीजिए मेरे साथ पास जो जॉब करते हैं, मैंने कभी किसी को तू तुम कह के नहीं बुलाया है। तो हम जब छोटे बच्चे को भी तुम्हें समझ नहीं आती है तो थोड़ा बहुत ये अपनी लैंग्वेज में भी चीज़ चेंज लेके आइए। आइए टीचर्स, आज से हम तू और तुम ख़त्म करके आप और तुसी ले आइए। इंग्लिश में इसको कैसे रिस्पेक्ट में लेके जाया जा सकता है, ये मेरा आज का लेक्चर नहीं है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊं। आप अक्सर अपने कोलीग्स, अपने सीनियर्स के साथ कहते हैं गिव मी दिस वन, गेटिंग। मैंने अगर पानी मांगना है तो मैं कहूंगा इंग्लिश में कैसे कहूंगा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या मैं कहूंगा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें जब रिस्पेक्ट लेके आना है तो आपने प्लीज़ के साथ रिस्पेक्ट में नहीं जाना है, आपने आज से यूज़ करना है कैन यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़। कैसे, कैन यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़। कोई सेंटेंसेस बताइए मुझे कैन यू, कुड यू, वुड यू के साथ। यस, अब अपने कोलीग्स और अपने सीनियर्स के साथ आपने ये नहीं कहना गिव मी दिस, क्या कहेंगे, कैन यू गिव मी दिस और कुड यू गिव मी। ये तीन चीजें लिख लीजिए, कैन यू प्लीज, कुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज। इंग्लिश में रिस्पेक्ट आ जाएगी और उर्दू में तू तुम खत्म हो गया आज। क्या आया आप इंग्लिश में, क्या आया, कैन यू, कुड यू और आगे चलते हैं। ये चीज़ें हो गई आपकी, आपकी प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ें होंगी टीचिंग में, एंटरटेन। उसके बाद जब आपने क्लास में जाना है, क्लास में जाना है तो क्या चीज़ है, कैन यू नेम द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन गिविंग एनी प्रेजेंटेशन, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। हम कहते हैं कोई बात नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, लिख लिया है बस ठीक है, हो गया। नंबर वन प्लेयर, नंबर वन प्लेयर इन द वर्ल्ड, इफ ही डजंट प्ले 3-4-5 मैचेस एंड इफ ही हैज टू कम बैक, व्हाट डज ही हैव टू डू। इंटरनेशनल मैचेस खेलने से पहले उसको फिर कुछ प्रैक्टिस चाहिए। आप मुझे बताइए आपकी प्रैक्टिस क्या होती है, जब आप पहले दिन पढ़ना शुरू किया, आप क्लास में जाने से पहले कितनी देर उस लेसन को प्रिपेयर करते हैं। कल जो बात हो रही थी, सर यासे बता रहे थे रीडिंग की,
रीडिंग आपने करवानी है. क्या जब तक आप अच्छा रीड नहीं करेंगे बच्चे अच्छा रीड करेंगे? तो आप अगर टेक्निक्स बच्चों को सिखाएं कि ये टेक्निक्स हैं रीडिंग इंप्रूव करने की, लेकिन आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो बच्चों में डिफरेंस नहीं आएगा. बच्चे आपको कॉपी करते हैं. आप जैसे रीडिंग करेंगे बच्चे वैसे सुनेंगे. तो देखिए जो मर्जी मैं आपको पढ़ा दूं सिखा दूं, जब वो सुनेंगे तो फिर डिफरेंस आएगा उनमें. रीडिंग करने के लिए पहले आप अपने अपने आप में तो चेंज लेके आइए. आप मुझे बताइए, आपने इंग्लिश का एक पैराग्राफ रीड करना है, इंग्लिश का एक पैराग्राफ रीड करना है, वो आपके लिए नया पैराग्राफ है, आपने पहले उसको रीड नहीं किया, तो कितनी दफा रीड करना चाहिए आपको क्लास में जाने से पहले? मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक पैराग्राफ 100 टाइम्स भी रीड करना पड़ता है तो मैं करता हूं क्लास में जाने से पहले. अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो मैं उस 100 को 200 टाइम्स देख लेता हूं. फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो 300 टाइम्स तक की मैंने प्रैक्टिस की है. आप पढ़ते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ये सिर्फ लाइन की हद तक है, लिखने की हद तक है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? आपने एक पैराग्राफ रीड करवाना है, ठीक है, मुश्किल वर्ड्स लिखवा दिए, उनके मीनिंग्स लिखवा दिए, लेकिन जब आपने रीड करना है तो आपसे रीडिंग नहीं हो रही है. मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता दूं, मैं बच्चे को एक पेज रीड करने के लिए दूं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि यह बच्चा कितनी देर में इंग्लिश सीखेगा. जो बच्चा रीडिंग अच्छी नहीं कर रहा वो स्पीकिंग कभी भी अच्छी नहीं कर सकेगा. जो चीजें उसके सामने हैं वो रीड नहीं कर पा रहा है, जो सामने नहीं होंगी कैसे प्रनाउंस करेगा? आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास मोबाइल में एडवांस डिक्शनरीज हैं? या कोई नया वर्ड आपके सामने आ जाए तो आप कहां से कंफर्म करते हैं कि इसको इस तरह से प्रनाउंस करना है मुझे? गूगल से. वेरी गुड. लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने अल्फाबेट्स को देख के इसको वर्ड को प्रनाउंस करना है तो वर्ड के मीनिंग, सॉरी, प्रनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है. तो आप कोशिश कीजिए अपने आप को अप टू डेट रखने की. अब आज से वादा कीजिए कि क्या करूंगा मैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी? क्लास में जाने से पहले, क्लास में जाने से पहले क्या करूंगा? सेकेंड, प्रिपरेशन. अब एक पैराग्राफ को रीड करना है, जब मैं रीड कर रहा हूँ तो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग करनी है मुझे उसकी. करेंगे? रिकॉर्डिंग करूंगा तो जब मैं देखूंगा ये रीडिंग मुझसे ठीक नहीं हो रही है तो मैं कितनी दफा रीड करूंगा? जब तक वो ठीक. अगर एक दफा रीड करने से बेहतर होता है तो एक दफा ही काफी है. अगर दो दफा रीड करने से होता है तो दो दफा. लेकिन अगर नहीं इंप्रूवमेंट हो रही तो जब तक ठीक नहीं है तो बार बार प्रेपरेशन, फिर आपने क्लास में जाना है. अगर मुझे कहीं पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट में देना पड़ती थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग सारी सारी रात उसकी प्रैक्टिस होती थी, सारी सारी रात. प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है. प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है. आपको हमारे स्टूडेंट्स या लोग जो टीवी पे हमें देखते हैं वो कहते हैं आप अपने बच्चों को याद करवा के भेज देते हैं और वो बोल देते हैं. जब एक स्क्रिप्ट किसी को दिया जाता है, स्क्रिप्ट किसी एक्टर को दिया जाता है, क्या वो याद करता है? अगर वो याद करेगा तो अच्छा परफॉर्म. उसको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है उसमें. तो इसलिए उस रीडिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए कि रीडिंग करते हुए आपको आइडिया हो कि मैं रीड क्या कर रहा हूं. उसमें वैसे ही अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए. अप्स एंड डाउन्स आप में होंगे तो बच्चों में भी आएंगे. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में उसके मीनिंग्स होने चाहिए. जैसे उर्दू बोलते हुए आपके बॉडी पार्ट्स आपका साथ देते हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं. आप कहते हैं मुझे तो आता है. तो इसलिए आपने फुल स्टॉप का भी ख्याल रखना है, कॉमा का भी ख्याल रखना है, सेंटेंस के ख़त्म होने का ख्याल रखना है, सेंटेंस के शुरू करने का भी ख्याल रखना है. कहाँ पर ख्याल रखना है? रीडिंग में. और रीडिंग करने से पहले क्या करना है आपने? बहुत सी प्रेपरेशन के साथ. जल्दी से पढ़ते हैं इसको. Well, preparation is everything. Preparation is everything. With a good preparation and planning, you will be totally confident and less nervous.
वो जो आप एक रात दो रातें एक हफ्ता जागे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, कभी भी आपकी मेहनत जो है वो जाया नहीं जाती है। सर काशिफ कहा करते हैं इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। तो क्या इन्वेस्ट करते हो आप क्लास में जाने से पहले? अगर नहीं तो वही आप सामने बुक रख के तो बस बुक रख के पढ़ाते जाएंगे, नोट करवाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, नोट करवाते जाएंगे। इस मार्केट में डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस लाने के लिए प्रेपरेशन, प्रेपरेशन से क्या होगा? यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी लेस नर्वस एंड योर ऑडियंस विल फील योर कॉन्फिडेंस, योर ऑडियंस टू विल बी कॉन्फिडेंट एंड दे विल बी कॉन्फिडेंट इन यू। राइट, आई विल मूव फॉरवर्ड, टाइम इज शॉर्ट। प्लानिंग, क्या आपने प्लानिंग की है? व्हाई एम आई टीचिंग? पढ़िएगा, मुझे बताइएगा क्या लिखा हुआ है। बिफोर यू स्टार्ट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाई एम आई मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, व्हाई? डू यू नीड टू इन्फॉर्म और टू कन्विंस और टू एंटरटेन? योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर इन योर माइंड and if it is not clear in your mind it cannot possibly be clear in to your audience. aapko to pata ho ki maine kya karna hai aur ye bhi cheez aapki preparation mein aayegi. jab aap fully prepared ho ke class mein jaoge to kisi tarah kabhi questions aapke samne aayega to aap usko face karoge. jab aapne wo paragraph ko itni achhi tarah se ready kiya hoga, ye aapko idea hoga ki ye verb hai, noun hai, adjective hai, to aap bhi confident honge unka आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। क्या कभी आपने ऑडियंस को सामने रखते हुए अपनी प्लानिंग को प्रिपेयर किया है? मेरी क्लास में जो लेवल वन में स्टूडेंट्स आते हैं मैम शहीन, वो मैट्रिकुलस भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं, मैट्रिकुलस भी होते हैं और मास्टर्स भी होते हैं। अब मैंने इस तरह से पढ़ाना है कि मैट्रिकुलस को मुश्किल ना लगे और मास्टर्स को आसान ना लगे। अब आप बताइए आप क्या करते हैं? ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको रीड करना नहीं आता है, तो क्या कभी आपने अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम के लिए रोका है? मेरी अगर 6 से 8 बजे क्लास होती है, 5 से 6 बजे ब्रेक होती है, 6 से 8 बजे क्लास होती है, 2-4 बच्चे अगर मेरी क्लास में थोड़े से इस तरह से हैं जिनको समझ नहीं आ रही है तो मैं कोशिश करता हूँ उनको 5:30 बजे बुला लूँ। आप बच्चों में क्या डिफरेंस लेके आ रहे हैं? आप कहते हो ठीक है मुझे सिर्फ इन 5 को देखना है क्योंकि ये इंटेलिजेंट हैं, वो जो डल हैं उनको उनके घर वाले देखें। सर ओवर टाइम के अलावा भी अगर कोई जो है उनको मुश्किल आ रही है तो मैं कहती हूँ आप ब्रेक टाइम में अप्रोच करें मुझे। यस, क्योंकि वो मेरा फ्री टाइम। क्या आप इस तरह के टीचर्स हैं? वेरी गुड, देखिएगा चेंज आएगा, देखिएगा डिफरेंस आएगा इंशाल्लाह। सर इवन जब ऑफ टाइम होता है तो मैंने तो दुआ पढ़ानी होती है तो फिर मैं ऐसे करती हूँ उनकी जो लाइन बनती है वो बाहर तक जाते जाते वो दुआ पढ़ते हैं। वेरी गुड, और मैं साथ चलती हूँ तो वो इंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को और वो पढ़ते हैं। आज से प्रैक्टिकल एजुकेशन शुरू होगी आपके बच्चों में, प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी, प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी और सब बच्चों में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, सब बच्चों में। एक बच्चा जिसने टेस्ट पास नहीं किया, मैं आप सब टीचर्स को बता रहा हूँ, एक बच्चा जिसने टेस्ट पास नहीं किया ग्रेड 4 का, लेकिन उनके पेरेंट्स कहते हैं मैम कि आप क्लास में बिठा लीजिए, मैं कहता हूँ ठीक है बिठा लीजिए, अब उस बच्चे पे मेहनत किसने करनी है? आपने। मैं कहता हूँ ELC में वो बच्चा जो मैट्रिक करके आता है उसको 2 माह में इतने जोगा कर देते हैं कि कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है, 2 माह में इतना कर लेते हैं कि वो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है, वो अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस होता है आई कैन डू इट। तो आप एक साल में उस बच्चे में क्यों डिफरेंस नहीं लेके आ रहे हैं? क्योंकि आपने फोकस ही उनको करना है जिनको जो इंटेलिजेंट है, जिन पे मेहनत ना करनी पड़ेगी, बाकी जो है वो ट्यूशन वाले जाने और आप जाने, वो जाने। इस तरह से नहीं होगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 20-25 स्टूडेंट्स जो आपके पास हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, फिर देखिए सर काशिफ वाली बात कि आपकी सैलरीज इंक्रीज होंगी कि नहीं। गिव योर 100%, अपना 100% तो दीजिए, डिफरेंस लेके आइए बच्चों में। बच्चे कहें कि हमने फलां टीचर से पढ़ना है, फलां टीचर से पढ़ना है, वो कैसे होगा? आप उनको चॉकलेट्स खिलाते हैं इसलिए? आपकी टीचिंग में थोड़ी सी पावरफुल, यू शुड बी पावरफुल।
ऑडियंस को देख लिया सामने क्या है, उसके बाद क्लास में देखा कि आपने कहाँ पे जाके पढ़ाना है जी, उसमें फैन है, गर्मी है, सर्दी है, आपने फील नहीं होने देना बच्चों को, वेन्यू के बारे में भी जानी है। क्लियर? कितना टाइम होता है आपके पास? 45 मिनट्स को प्लान करते हैं आप। प्लानिंग नंबर टू, प्लानिंग नंबर थ्री, प्लानिंग, तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी कि कितने टाइम में आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। आज अगर आपको लगा कि आपने बातें ज़्यादा कर ली हैं, पढ़ाया कम है, तो नेक्स्ट डे वो ज़्यादा पढ़ा दें, क्योंकि जब एक दिन आप बच्चों को कन्विंस करके बाहर जाएंगे तो नेक्स्ट डे बच्चे आपका वेट करेंगे कि आज हमने ये पढ़ना है। What should I say? You must decide exactly what you want to say. You should brainstorm your ideas. You will no doubt discover many ideas. You should include. इसमें आप देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर रीडिंग करते हैं पढ़ाने के दौरान, कितने जो नोटबुक साथ लेके जाते हैं कि उधर से देख के तो वो ऐसे नोटबुक के साथ वाइट बोर्ड पर लिख रहे होते हैं, कितने टीचर्स ऐसे हैं? कोई भी नहीं है। कोई ऐसा टीचर होता है मैम? तो आज के बाद पेपर रीडिंग क्लास में आपके यहाँ पे स्टोर होंगी और आप पॉइंट्स लेके जा सकते हैं क्लास में। पॉइंट्स क्या लेके जाएंगे? पॉइंट्स लेके जाएंगे आप कोई भी पेपर, वो जो अगर ग्रामर पढ़ानी है तो ग्रामर के सारे टेंसेस सेंटेंसेस लिख के गए होते हैं और वो साथ ही वो नोट डाउन कर देते हैं वहाँ पर, और बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। क्या रीज़न है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं, आप नहीं मानेंगे, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे बातें कर रहे होते हैं पीछे, इन्वॉल्व नहीं होते हैं? कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले आप उनको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताते हैं? जब इम्पोर्टेंस बताएंगे तो कभी भी वो बातें नहीं करेंगे। इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, कन्विंसिंग पावर नहीं होती है, और कन्विंसिंग पावर किस में होगी, कैसे होगी? प्रेपरेशन। अब ये बड़ा सा करके लिखिएगा अपनी डायरी पे, क्या? प्रेपरेशन इज एवरीथिंग। प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसा होता है, मोस्टली मोस्ट स्पीकर्स आर अ लिटिल नर्वस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। कभी आपने प्रेजेंटेशन कभी बड़े हॉल में दी हो? कितने टीचर्स हैं जिन्होंने बड़े हॉल में प्रेजेंटेशन दी है आपने, यहाँ पे दी है? स्टार्ट में थोड़ा सा नर्वस होते हैं, स्टार्ट में थोड़ा सा होते हैं, फिर वो कैसे कंट्रोल होता है देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सो इट इज नॉर्मल इफ यू आर नर्वस। द आंसर इज टू पे स्पेशल अटेंशन टू द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन। फर्स्ट इंप्रेशंस काउंट, योर फर्स्ट इंप्रेशंस काउंट। जब आप स्टार्ट लेते हैं क्लास का तो वो फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे बात करना चाहें भी तो ना करें। योर फर्स्ट इंप्रेशंस काउंट, और वो भी आपका स्टार्ट इतना अच्छा होना चाहिए क्लास में जाके, इतना इंथ्यूजियास्टिक आप बोलिए कि बच्चे बात करना चाहें भी, पानी पीने जाना चाहें भी तो आपकी क्लास में ना जाएं, कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। गेटिंग? नर्वस होना कोई बड़ी बात सभी होते हैं, लेकिन अगर आप वो जो एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले जो तैयारी होगी, जब उसके साथ आप आएंगे, आप बताइए आप जो है वो रूम में कितनी मेहनत कर, कितना इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आप नर्वस नहीं होंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान यहाँ पे भी ऐसा होता है कि अगर आपको नेक्स्ट टर्न है, आपकी नेक्स्ट टर्न है, तो आप इतना परेशान होकर बैठते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा स्टेज पर, क्या हो जाएगा। जब आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। अक्सर देखिएगा जो बच्चा घर से तैयारी करके आएगा वो कहेगा मैम मुझे पहले बुलाइए, होता है ऐसे? और जो तैयारी करके नहीं आएंगे वो फिर बहाने बनाएंगे कि लाइट ऑफ थी, घर में ये था। आपके कम से कम इस तरह के एक्सक्यूजेस, टीचर्स के एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। टीचर्स की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? बच्चों को पढ़ाना, और पढ़ाने से पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। क्लास में जाने से पहले क्या करेंगे आप?
अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। बुक्स के अंदर एक एक चीज़ निकालिए, पहले अपने लिए, फिर बच्चों को देखिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। जो बिल्कुल डल है उसको भी समझ आए, जो बहुत इंटेलिजेंट है उसको बेसिक्स ना लगें। ये टेक्निक्स आप में होनी चाहिए। डिक्रीजिंग स्टेज फ्राइट, क्या करते हैं आप इस चीज़ का डर खत्म करने के लिए? स्टेज का डर खत्म करने के लिए क्या करते हैं या बच्चों को क्या करवाते हैं? सॉरी, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। अब ये पढ़िएगा, नाउ योर सब्जेक्ट वेल, बच्चों को बताइए कि क्या क्या बताना है बच्चों को। यू दे शुड नाउ द सब्जेक्ट वेल, प्रिपेयर विद द एटीट्यूड दैट दे वांट टू नाउ द सब्जेक्ट ऑन दैट डे बेटर देन एनीबॉडी एल्स। और प्रेजेंटेशन के दौरान बच्चों को बताइए कि जो आपके सामने बैठे हैं उनको कुछ नहीं पता है और आप उनको सब कुछ बता रहे हैं, कि वो जब यहाँ पे हैं तो उनको पता है कि दैट यू नो नथिंग। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है लेकिन इस एटीट्यूड के साथ होना चाहिए, लेकिन प्राउड फील नहीं करना है इस बंदे ने यहाँ पे खड़े होकर। मैं बात कर रहा हूँ इस स्टेज का डर कैसे खत्म करना है, डर कैसे खत्म करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, डर कैसे खत्म करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके बाद जो मेरे सामने बैठे हैं दे नो नथिंग। जब ये डर मेरे माइंड में आ गया कि मैम शाहीन मुझसे इतने मुश्किल क्वेश्चंस पूछेंगी, मैम निकट मेरे से इतने मुश्किल क्वेश्चंस पूछेंगी, रात को मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे तो ये भी होगा ये भी होगा, तो अच्छा बैट्समैन ये नहीं देखता कि बॉलर कौन सा है, जैसा भी है वो अच्छी तैयारी के साथ आता है, आइए देखते हैं, मुश्किल बॉल होगा छोड़ दूंगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ओवर में पूछूंगा। गेटिंग, स्टे करना है, जितनी देर आप यहाँ पे स्टे करेंगे सर वैसा ही आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फर्स्ट 15 ओवर्स जो निकाल लेता है वो 50 ओवर्स तक जाता है। फर्स्ट 15 ओवर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, वो बच्चों को बताइए कोई बात नहीं, स्टार्ट में कंफ्यूज भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन 50 ओवर्स का मैच खेल के आना है आपने। 50 ओवर्स बच्चों को खेलना सिखाने हैं, बड़ी इनिंग्स खेलना सिखानी है। जल्दी जल्दी चाय बना के नहीं आनी कि आप चाय बनाओ मैं बस एक बॉल खेल के वापस आ गया, अफरीदी की तरह लॉन्ग इनिंग्स खेलना सिखानी है। नेक्स्ट, रिहर्स योर टॉक सेवरल टाइम, क्या लिखा है? इफ पॉसिबल रिहर्स इन द सेम रूम वे यू स्पीक, कि अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो उसी रूम में तैयारी कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए। दिस कैन ईजीली बी डन विद इन योर कंपनी बट इफ योर स्पीच, आप प्रेजेंटेशन, अगर आपकी सुबह प्रेजेंटेशन है, कल सुबह प्रेजेंटेशन है किसी हॉल में और आपको वहाँ पे क्या क्या चाहिए आपने एक दिन पहले अरेंज करना है, आप देखिए कि क्या आपने प्रेजेंटेशन के दौरान आपको वाइट बोर्ड चाहिए तो अरेंज करवाइए, मार्कर्स चाहिए तो अरेंज करवाइए, हाफ एन आवर पहले स्टेज पे जाके बैठ जाइए, हाफ एन आवर स्टेज के पास बैठ जाइए जाके, अपनी टर्न से पहले, अपनी टर्न से पहले, क्योंकि जब आप स्टेज पे आए तो फिर आप ये ना कहें यार मेरे तो ग्लव्स उधर रह गए हैं, अभी यार हेलमेट तो पहना ही नहीं है मैंने, तो वो बॉलर आपका वेट नहीं करेगा क्योंकि आपके पास पहले ही लिमिटेड टाइम दिया जाएगा आपको प्रेजेंटेशन के लिए। इसलिए क्या करना है, स्टेज का फियर खत्म करने के लिए आपने वहां पे टाइम से पहले पहुंचना है और जो चीजें आपको स्टेज पे चाहिए उनको रेडी रखना है, फिर आप अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे, फिर आप इन्फॉर्म भी कर सकेंगे और कन्विंस भी कर सकेंगे और एंटरटेन भी कर सकेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। आज का जो टॉपिक था वो ये था कि आपने बहुत ज्यादा तैयारी करके क्लासरूम में जाना है, कितनी तैयारी, कितनी दफ़ा रीडिंग करनी है, कितनी दफ़ा उसको समझना है, गूगल करना है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जब मैं सिखा रहा होता हूँ, एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है, अमेरिकन किसी और तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ब्रिटिश किसी और तरह से प्रोनाउंस करते हैं, मुझे दोनों प्रोनाउंसिएशन पता होगा तो मैं पढ़ाऊँगा, अदरवाइज नो वेज। अगर मैं उसी किताब तक रहूँगा तो मेरे सामने बहुत से और भी लोग आ सकते हैं, दूसरे शहर से, दूसरी कंट्री से भी आ सकते हैं, तो मुझे उनको भी पढ़ाने के लिए अपने आप को अप टू डेट रखना है, और वो अप टू डेट रखने के लिए मुझे क्या करना है, प्रेपरेशन, प्रेपरेशन।
एंड प्रेपरेशन। प्लीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके क्लासरूम में जाया करें, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके क्लासरूम में जाया करें। और जब क्लासरूम में जाएं, जब आप बोलें तो बच्चे अगर बोलना चाहें भी तो वो कहें पहले मुझे टीचर को सुनना है। आपकी वॉइस क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। आज से अपने बच्चों में किस तरह का डिफरेंस लेके आएंगे, क्या डिफरेंस लेके आएंगे बच्चों में? आइए मिलके बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करें, करेंगे? आइए मिलके उनको अच्छा इंसान बनाएं। वो मैथ्स टीचर्स हैं, साइंस टीचर्स हैं, अरेबिक हैं, एक दिन में या एक वीक में कोई ऐसा दिन ज़रूर रखें, ऐसे 5-10 मिनट्स ज़रूर रखें जिसमें आप उनकी ट्रेनिंग करें, एक अच्छी चीज़ ज़रूर सिखा दें उनको। सिखाने के सबसे पहले वो चीज़ आप में आनी चाहिए, अगर वो आप में होगी तो वो आपके बच्चे आपको कॉपी करेंगे, अदरवाइज नो वेज। थैंक यू वेरी मच सर, यू कैन कम।